अजिही कुरबानी कि रुड़ी जांदी कौम नू बचा लिया, इना ही नहीं पूरे हिंदुस्तान नू बचा लिया। अजिही कुरबानी इतिहास च किते भी नहीं मिलती। जन्म होया 1 अप्रैल 1621 नू अमृतसर। पिता का नाम श्री गुरु हरगोबिंद साहब, सिखा दे 6वें गुरु। माता जी नानकी। गुरु तेग बहादुर जी दे बचपन का नाम त्यागमल। नाम दे करके ही अजिहा त्याग किया कि अज जिन्हां दी होंद बची है सिर्फ गुरु साहब की कुरबानी सदका है। व्याह होया करतारपुर के निवासी भाई लाल चंद की सपुत्री गुजरी दे नाल। माता गुजरी एक अजिहे पुत्र नूं जन्म दिता जिसने सिख कौम नूं एक नवी राह दिती। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, बाल गोबिंद। गुरु साहब नूं गुरगद्दी आसानी दे नाल नहीं मिली। गद्दी दे कई दावेदार खड़े सन। आखिर भाई मक्खन शाह लुबाणा ने अपनी मन्नत भेटा करन लई सूखम दृष्टि दे नाल 22 अखौती गद्दियां चों सच्चे गुरु नूं लभिया अते क्या गुरु ला तुरे। कुछ वरां आनंदपुर साहब च धर्म प्रचार किया गुरु साहब ने। इस दौरान औरंगजेब बादशाह ने हिंदुआं नूं समूहिक तौर पर मुसलमान बनाउण दी योजना सब तो पहला कश्मीर च लागू करन दा यतन किया। कश्मीर दे बामण धर्म की रक्षा खातर गुरु जी की शरण च आए अते 1675 च उन्हां दे धार्मिक संकट नूं खत्म करन सदका कुछ सिख सेवकां नूं लै के दिल्ली वल चाले पाए। दिल्ली पहुंचन तो पहला आखरी च बंदी बना लिया गया गुरु साहब नूं। बादशाह वल्लों मुसलमान बनन दी हर तरह की पेशकश की गई पर गुरु साहब ने ठुकरा दित्ती। आखिरकार बादशाह ने गुरु साहब नूं दिल्ली विच कोतवाली दे नेड़े गुरद्वारा सीसगंज वाले स्थान ते शहीद करवा दिता। गुरु साहब दे नाल सिख सेवक भी सन, भाई मतीदास, भाई दयाला। इन्हां नूं ही बड़ी बेदर्दी दे नाल शहीद कर दिता गया। गुरु साहब ने अपना बलिदान स्वै इच्छा दे नाल दिता। एक समकाली पट ने कहा, बाह जिन्हां दी पकड़िए सिर दी जे बाह ना छोड़िए, गुरु तेग बहादुर बोलिया तर पईए धर्म ना छोड़िए। गुरु तेग बहादुर जी दी लासानी शहादत ते यही कहांगे, पूरे सतगुरां पूरे हिंद उत्ते हैसी धर्म वाली चादर तां दित्ती, सबर निडरता दे हथियार दित्ते, सिदक वालड़ी चाड़ के पाण दित्ती। सिखां दे 9वें गुरु, हिंद दी चादर, श्री गुरु तेग बहादुर जी।